भगवती प्रसाद सोनी के पुत्र और उसके मित्र की हत्या के संबंध में CBCID जांच की मांग मानव सेवा संस्था उत्तर प्रदेश। कल दिनांक 17 अगस्त को जिलाधिकारी महोबा को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया, जिसमें भगवती प्रसाद सोनी जिला TV संवाददाता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मानव सेवा संस्था उत्तर प्रदेश के पुत्र की हत्या हुई थी, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अन्य जिलों पर भी मानव सेवा संस्था के तत्वाधान में जिलाधिकारियों को CBCID जांच की मांग कर निष्पक्ष जांच की प्रार्थना की गई, जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष मानव सेवा संस्था रमन दीक्षित द्वारा की गई तथा संपूर्ण जिला कार्यकारिणी महोबा सम्मिलित रही। अगर न्याय नहीं मिलता तो 25 अगस्त को कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी किया जाएगा। दूसरा ज्ञापन मानसिंह ग्राम नटरा थाना चरखारी जिला महोबा ने दिया, जिनका ट्रैक्टर 8 साल पहले राजू सिंह खरेला ने 15,000 महीने पर किराए से लिया था, आज तक कोई किराया नहीं दिया और न आज तक ट्रैक्टर कल्टीवेटर सीडल थ्रेसर वापस किया। शिकायती पत्र पर चरखारी पुलिस 3 साल से जांच कर रही है, न्याय न पाने से पीड़ित ने आहत होकर अनशन की घोषणा। तीसरा अपराधी ग्राम सेवड़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा अयोध्या प्रसाद का है, जिनको पनवाड़ी पुलिस ने आज तक न्याय नहीं दिया। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मानव सेवा संस्था उत्तर प्रदेश ने ज्ञापन सौंपा, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मुहिम को आगे बढ़ाया, जिसमें समस्त सेवा संस्था परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोबा से जतन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम इंदु पॉल है। कहाँ से? जी मैं कुलपहाड़ मिशन से हूँ। क्या समस्या है आपकी? जी मेरे फादर की समस्या है और मेरी भी कुछ समस्याएं हैं। मेरे फादर से रिलेटेड समस्या ये है कि मेरे फादर यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के एम्प्लॉई हैं। मेरे फादर को यहाँ रहते रहते इस मिशन में 71 ईयर हो गए हैं, 70 साल इस मिशन में उन्होंने दिया है और जॉब करते करते 50 ईयर्स हो गए उनको। तो मेरे फादर को काफ़ी शोषण किया, कम सैलरी में उनको जॉब दिया, कम सैलरी में वो काम करते रहे, जबकि वो बाहर जाना चाहते थे। तो जो पुरानी मिशनरी थी आंटी लिया मोशियर, उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आपको फैसिलिटी देंगे, घर देंगे और सारी सुख सुविधाएँ देंगी, तो ये नहीं गए। उन्होंने कम सैलरी में ही जॉब करते रहे। उसके बाद सर मैं विडो हूँ, मेरी मैरिज हुई बिलासपुर में, फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 7 ईयर हो गया। तो मैं अपने दोनों, मेरे ससुराल में कोई नहीं है, मेरे सास ससुर सब एक्सपायर हो गए, तो मैं परेशान थी वहाँ काफ़ी। तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने फादर मदर के पास आई। तो मेरे को भी 7 ईयर हो गया। जब से मैं सर यहाँ आई हूँ मिशन में, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, मेरे बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। जब देखिए तब मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो रोते हुए आते हैं। और जब मैंने 2-3 पुलिस वालों से रिपोर्ट करी तो उन्होंने जाकर के देखा, तो अटेंडेंस रजिस्टर जब देखा गया तो उस पर अटेंडेंस फुल शो की जाती है और पूरे स्टाफ से एप्लीकेशन तैयार करके और उनके सिग्नेचर लेके थाने में अनेकों एप्लीकेशंस डालते रहते हैं मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ। और मेरे बच्चों से हमेशा कहते हैं इनके वर्धन जो मैनेजर है कि अपनी माँ को मेरे पास भेजो। मेरे फादर से भी कई बार बोला कि अपनी दोनों लड़कियों को हमारे पास भेजो, मेरे फादर ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे ऐसा। कौन कहता है? मैनेजर जो उस मिशन का है, इनके वर्धन। अच्छा, मैनेजर जी। हाँ, तो फादर ने कहा मैं नहीं भेज सकता अपनी लड़कियों को। फिर हम लोग भी सर, हम लोग घर से निकलते हैं जाते हैं तो हम लोगों के पास से निकलते हैं अपनी बाइक से, तो बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। इवन चौकीदार भी, जितने चौकीदार हैं वहाँ पे, वो भी गंदी हरकतें करते हैं और ये लोग हंसते हैं, गंदे कमेंट्स पास करते हैं सर। और फिर हम लोगों से इन्होंने बोला कि एक काम करो, जाओ बस्ती में जाकर के हिंदू लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ। अच्छा। और उनसे कहो कि हम बहुत सारा पैसा देंगे, नौकरी देंगे, अच्छी लड़कियाँ देंगे और मिशन में हम आपको जगह देंगे। तो हमने भी इस चीज़ से मना कर दिया कि ये इलीगल काम है। तो इसके चलते उन्होंने दूसरे दिन ही हमारे फादर को नोटिस दे दिया कि आप नौकरी से भी रिटायर हैं, आप जाइए यहाँ से, मिशन भी खाली कर दीजिए। जबकि मेरे फादर से 10 ईयर ओल्ड बड़े कुछ स्टाफ हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। सिर्फ मेन कॉज ये है सर कि वो ये कहते हैं कि आप अपनी लड़कियों को भेजिए, हम उनका फिजिकल शोषण करेंगे, हरासमेंट करेंगे और हिंदू लड़कों को क्रिश्चियन बनाओ, जो हम नहीं कर सकते सर। ठीक है, थैंक यू। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन कुलपहाड़। आज आप जिलाधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र लेकर आई हैं, क्या समस्या है, पूरा मामला बताएं। मेरी समस्या है कि मेरे पति नीरज रावत, जो सहायक अध्यापक हैं और प्राथमिक विद्यालय दुआसी में कार्यरत हैं, जिन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी अन्य महिला से शादी कर ली है, उसकी शिकायत लेकर हम जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं। और उनके द्वारा ही, वो सहायक अध्यापक होते हुए भी विद्यालय में ना जाकर वो BSA ऑफिस में दलाली का कार्य करते हैं अधिकारी के लिए, और उनके द्वारा ही मुझे विभाग से प्रताड़ित कराया जा रहा है।
मेरा लगभग एक साल का वेतन बंद है, चयन वेतन मान नहीं लगा हुआ है, मेरा प्रमोशन मेरा रोक दिया गया है और मुझे विभिन्न तरह से प्रताड़ित। मेरा नाम बैनवेल बैरो। सर अभी आपने थाना कुलपहाड़ में एक तहरीर दी है, तहरीर के मुताबिक आपने क्रिश्चियन स्कूल कुलपहाड़ के मैनेजर पर आरोप लगाए हैं कि आप आपका घर उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं और काफ़ी तरीके के आपने धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लगाए, संगीन आरोप। अध्यक्ष मोहना शिवा संस्था उत्तर प्रदेश भगवती प्रसाद सोनी तथा अन्य दो तीन पीड़ितों के लिए डीएम महोदय को ज्ञापन देने आया हूं।